नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग बिहार से संबंधित सारी श्रृंखलाओं को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी बिहार के बीपीएससी के एग्जाम होने हैं, बीएसएससी CGL 3 का एग्जाम होना है। अगर आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ठीक है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई शंका नहीं है कि आपका एक भी प्रकार का क्वेश्चन छूटे, आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा इस बात को, है ना, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा। आज उसी कड़ी में हम लोग चौथे, ठीक है, हम लोग चौथे चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, जो बिहार की जलवायु है। ठीक है, इसमें देखिए एक बड़ा खामी इस चैप्टर में क्या है कि आपको बिहार की जलवायु में कुछ ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन जो मिलते हैं उसको कोई समझाता नहीं है। ठीक है, इसको समझते चलेंगे और जानते चलेंगे कि यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से हम लोग प्रश्न बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जलवायु को समझते हैं कि जलवायु क्या होता है। यहाँ पर मैं विभिन्न भूवैज्ञानिकों के द्वारा जो बताए गए, जलवायुवेत्ता के द्वारा जो बताया गया कि बिहार को कितने कैटेगरी में बांटा जाएगा, वो सारे चीजों के बारे में चर्चा करूंगा, तो ध्यान में रखिएगा। आइए आज हम लोग सीखते हैं बिहार की जलवायु। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जलवायु का, तो जलवायु क्या होता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये एक तरह से टॉपिक जो है, इतना कठिन क्यों हो जाता है, क्योंकि जलवायु कल्पना का चीज है ना। आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, आप सिर्फ सोच सकते हैं, इसके अलावा आप इसको मैप पर दर्शा नहीं सकते हैं। तो जलवायु, जलवायु का अगर हम डिफिनेशन दें, तो जलवायु का डिफिनेशन क्या देंगे, चाहे तो एक डिफिनेशन दे सकते हैं कि किसी विशिष्ट स्थान पर मौसम के परिवर्तन को जलवायु कह सकते हैं, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं, है ना, कि किसी भी मौसम के, है ना, किसी भी मौसम के दीर्घकालिक दशा को जलवायु कहते हैं। दीर्घकालिक दशा, जो लंबे समय तक कोई मौसम बना रहता है, उसको हम लोग जलवायु कहते हैं। किसी भी मौसम के दीर्घकालिक दशा को जलवायु कहते हैं। आप नोट नोट करते चलिएगा, रोक रोक के वीडियो को पॉज कर करके और करते चलिए। ज्यादा समय का नहीं होगा वीडियो, 20 से 25 मिनट का होगा। आप देखते चले और नोट्स बनाते चले। किसी भी प्रकार का पेड कोर्सेस की आपको जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है विभिन्न। अगर आप झारखंड से संबंधित है तो झारखंड का पूरा सिलेबस मैंने पढ़ाया है, वो सारे क्लासेस को आप करें और लाभ उठाएं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब कि जलवायु किसे कहे हैं कि किसी भी प्रकार के दीर्घकालिक मौसम की दशा को हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, आइए आगे अगर हम लोग बढ़े, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जलवायु तो आप जान लिए। अब देखिए, बिहार की अगर हम जलवायु की बात करें, है ना, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ग्लोब पर मैं ले चलता हूँ। ग्लोब पर जैसे मान लीजिए कि अगर ये ग्लोब मैंने बनाया, ठीक है, ये ग्लोब मैंने बनाया और इस ग्लोब में ये विषुवत रेखा है। ये कौन सी रेखा है, ये विषुवत रेखा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इधर आपको कर्क रेखा मिलेगा, इधर आपको मकर रेखा मिलेगा। इतना आप जानते होंगे, ये कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर होती है ग्लोब में, और ये है मकर रेखा दोस्तों जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर होती है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा। अगर मैं बात करूं कर्क रेखा और मकर रेखा की, तो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा, जो बीच में विषुवत रेखा भी आ जाती है 0 डिग्री वाली, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। अगर थोड़ा सा ऊपर हम आए, ठीक है, अगर थोड़ा सा हम ऊपर आए, तो थोड़ा सा ऊपर 66.5 डिग्री पर आपको मिलेगा, ठीक है, 66.5 डिग्री का जो एरिया मिलेगा, इसके आधे हिस्से को अगर बांट दे तो इसको उपोष्ण कहते हैं, उपोष्ण। और ये वाला हिस्सा को हम लोग शीतोष्ण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, शीतोष्ण के नाम से जानते हैं। तो अगर आप बिहार की स्थिति को देखिएगा, तो सबसे पहले आपको भारत की स्थिति को देखना होगा। तो आपको मालूम है कि कर्क रेखा भारत से बीचों बीच गुजरती है, बेसिकली बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा भारत से। जैसे मान लीजिए ये कर्क रेखा है, तो भारत बेसिकली आपका ऐसा ही तो है, इस प्रकार से। जैसे कि अगर हम बनाए इसको अच्छा से बना दें आपको, है ना, अगर भारत के मानचित्र को, तो बेसिकली ऐसे कर्क रेखा, भारत का आधा हिस्सा कर्क रेखा के उस पार है और आधा हिस्सा कर्क रेखा के दक्षिण में है। लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा, बिहार की जलवायु को हम कैसा जलवायु कहेंगे, तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, क्योंकि बिहार जो है
मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार जो है, बिहार में किस प्रकार की जलवायु है, तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कैसा जलवायु है दोस्तों? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो कभी आपसे ये प्रश्न पूछे कि बिहार में कैसा जलवायु है, तो उपोष्ण कटिबंधीय, या तो फिर पूरे भारत को उष्ण कटिबंधीय जलवायु में रखा जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय। जहां उपोष्ण रहे आप उपोष्ण का चयन कीजिएगा, और जहां मान लीजिए उपोष्ण ना रहे और उष्ण कटिबंधीय रहे तो आप उष्ण कटिबंधीय का चयन कीजिएगा, और दोनों रहे तो फिर ये ऑप्शन हो जाएगा बीपीएससी के तहत, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो बिहार में किस प्रकार का जलवायु है, तो उपोष्ण कटिबंधीय। अब देखिए हमारे जो जलवायु वेता है, जो जलवायु के तहत बताते हैं कि बिहार को किन किन क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए, वो किन किन क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए, तो देख लीजिए उन्होंने बिहार को, है ना, बिहार को जलवायु के आधार पर एक तरह से अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, अलग अलग जो भूवैज्ञानिक है बेसिकली, उन्होंने अलग अलग तरीके से बिहार को बांटा। उसमें से कुछ भूवैज्ञानिकों का अगर हम बात करें, ठीक है, उसमें से कुछ भूवैज्ञानिकों का अगर हम बात करें, तो जैसे एक भूवैज्ञानिक है कोपेन, दूसरे भूवैज्ञानिक का नाम आपको मिलेगा त्रिवार्था, तीसरे भूवैज्ञानिक का नाम आपको मिलेगा थॉर्नथ्वेट, तीसरे भूवैज्ञानिक का नाम आपको मिलेगा दोस्तों थॉर्नथ्वेट। अब देखिए इन तीनों भूवैज्ञानिकों ने बिहार के जलवायु को अलग अलग प्रकार से बांटा। इन्होंने कहा कि देखिए गंगा नदी का अगर हम बात करें, तो गंगा नदी आपका यहाँ से बहते हुए बिहार को दो हिस्सों में बांटते हुए जाता है, बक्सर से घुसता है चौसा के नामक स्थान से और जाके कटिहार में निकल जाता है। तो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में कोपेन ने बांटा, और कोपेन ने कहा, एक डिनोशन दिया यहाँ पर, है ना, जो नोट करने का एक तरीका है, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से पूरे हो जाएंगे। तो कोपेन ने उत्तरी बिहार को बांटा और दक्षिणी बिहार को बांटा, ठीक है। तो उत्तरी बिहार को इन्होंने CWG, कौन सा CWG जलवायु क्षेत्र कहा, और दक्षिणी बिहार को इन्होंने AW जलवायु क्षेत्र कहा, ठीक है। आपको याद रखना है कि कोपेन ने उत्तरी बिहार को किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखा, तो CWG जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखा, और दक्षिणी बिहार को AW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखा। अब देखिए त्रिवार्ता आते हैं, त्रिवार्ता ने भी कहा कि हम भी दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार को बांटेंगे अलग अलग जलवायु क्षेत्र में। अगर आपको पता करना हो, आप जानना चाहते हैं कि क्यों आखिर दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार को अलग अलग जलवायु क्षेत्र में रखा जा रहा है, तो इसका एक लाइन में आंसर है दोस्तों कि उत्तरी बिहार हिमालयी नदियों से पटा पड़ा है और दक्षिणी बिहार बरसाती नदियों से, जो पठारी भाग से झारखंड से निकल करके आती हैं, तो दोनों जगह जलवायु अलग अलग पाए जाते हैं, मौसम अलग पाई जाती है, मिट्टियाँ अलग पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने अलग अलग बांटा उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। इन्होंने कहा कि देखिए हम उत्तरी बिहार को CAW जलवायु क्षेत्र कहेंगे, कौन सा CAW जलवायु क्षेत्र कहेंगे, और दक्षिणी बिहार को इन्होंने भी AW जलवायु क्षेत्र कहा। आप याद रखते जाएं और नोट्स करते जाएं कि उत्तरी बिहार को कोपेन ने किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखा, तो CWG, दक्षिणी बिहार को AW के अंतर्गत, त्रिवार्ता ने उत्तरी बिहार को CAW के अंतर्गत और दक्षिणी बिहार को AW के अंतर्गत। आपको और विशेष कुछ नहीं, डायरेक्ट पूछेगा कि त्रिवार्ता के अनुसार उत्तरी बिहार कौन से जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत है, और दे देगा CAW, CWG, AW, ये सारा चीज आपको दे देगा, ठीक है। उसके बाद आए थॉर्नथ्वेट, और थॉर्नथ्वेट ने देखिए थोड़ा सा अजीब टाइप से ये बांटेंगे, ये बोलेंगे कि देखिए बिहार की जो जलवायु है वो बेसिकली दो भागों में बांटेंगे। एक तो उत्तर पश्चिम का इलाका, इन्होंने कहा कि इधर वाला इलाका अलग है उत्तर पश्चिम का, और बाकी पूरा बिहार को एक साइड रखेंगे। तो इन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम का जो इलाका है वो CBW क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, CBW क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, और दक्षिण बिहार का जो इलाका है इन्होंने कहा कि CAW क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत दोस्तों,
CAW क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे और जान गए होंगे, ठीक है। तो अगर समझ गए और जान गए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं बिहार के मौसम परिवर्तन का के कारण या बिहार के मौसम परिवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि बिहार में सर्वाधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए, जैसे में पूछा भी गया है कि अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मई महीने में। क्या होता है मई महीने में, ध्यान में रखिएगा। अब एक प्रश्न आता है कि बिहार का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक गर्म होता है और बिहार का कौन सा हिस्सा सबसे कम गर्म होता है। तो एक कंसेप्ट है, आराम से एकदम यहाँ से आप उठाइए, ठीक है, और यहाँ तक जाइए। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाइएगा, जैसे 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 पूरा बिहार का जिला के बारे में मैंने पढ़ा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाइएगा वैसे वैसे आपको तापमान में कमी मिलेगी। इसीलिए पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान में रखिएगा और लिखिएगा इस बात को, पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, कि आपको बताना है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है। तो जाहिर सी बात है इस इलाके का कोई जिला होगा, तो आप जानते हैं कि बिहार का सबसे गर्म जिला है गया जिला, ठीक है। सबसे ज्यादा गर्मी लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ गर्मी पहुंच जाता है। सबसे गर्म जिला का मतलब वो दिमाग वाला गर्म नहीं, समझ में आया, नहीं तो कई कई लोग तो विकिपीडिया में ये भी डाल देते हैं कि बताओ बिहार का सबसे रंगदार जिला कौन है, तो दिखेगा आपको पूर्णिया पूर्णिया दिखेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को, तो वो सब की बात नहीं कर रहे हैं, ये जलवायु के अनुसार बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है गया है। और जाहिर सा बात है कि बिहार का अगर सबसे ठंडा जिला अगर बोलेंगे कि सबसे गर्म गर्मी कहाँ पड़ती है, तो किशनगंज। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको मिलेगा किशनगंज, तो किशनगंज के इलाके में सबसे कम गर्मी पड़ती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड, बिहार का सबसे गर्म जिला गया, बिहार का सबसे ठंडा जिला तो कौन सा हो जाएगा, तो बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा हो जाएगा, तो किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा वर्षा को लेकर के चलते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग वर्षा को लेकर के चलते हैं कि बिहार में, यही मानसून के तहत आपको यही पढ़ना है जलवायु के तहत, कि बिहार में वर्षा किस मानसून से होती है। तो आप अगर जानते हो, भारत का भूगोल पढ़े हो, हम भी पढ़ाएंगे, ठीक है अगर आप जानते हो तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। अब यही दक्षिण पश्चिम मानसून का जो हवाएं होती है, पवने होती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और बंगाल की खाड़ी से जा करके और मुड़ करके और बिहार में जाती हैं। तो कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि बताइए बिहार को वर्षा किस मानसून से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून का भी अगर आपसे शाखा पूछा जाए कि किस शाखा से, तो आप देखिए भारत के इस साइड बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी शाखा से बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होता है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा और बड़ा अच्छा से कीजिएगा दोस्तों, नोट डाउन कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है, आप समर्थन करते रहें, मैं इसी तरह से प्रोत्साहित होकर के और अच्छी अच्छी वीडियोज लगातार वीडियोज बनाता रहूंगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है, और अपने भाई का समर्थन करते रहें। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा इधर घुसा, इधर बिहार है, इसका मतलब हुआ कि जो मानसून घुसेगा बिहार में वो इन इलाकों से घुसेगा, इन इलाकों से घुसेगा। तो जाहिर सा बात है कि मानसूनी पवने जिन इलाकों में सबसे पहले पहुंचती है वहां पर वर्षा सर्वाधिक करवाती है, ठीक है, वहां पर वर्षा क्या करवाती है, सर्वाधिक करवाती है। तो इस चलते आपको सर्वाधिक वर्षा जो बिहार में दिखेगा, ध्यान में रखिएगा, जो सर्वाधिक वर्षा बिहार में दिखेगा वो सर्वाधिक वर्षा आपको किशनगंज के इलाके में दिखेगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा पाने वाला जिला कौन सा है, तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा पाने वाला जिला किशनगंज है दोस्तों, ठीक है, आइए। और सबसे कम वर्षा, तो जाहिर सा बात है कि सबसे कम वर्षा आपको यहाँ औरंगाबाद दिखेगा, देखिए औरंगाबाद के इलाके में आपको सबसे कम वर्षा दिखेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार में ऋतुओं की। तो बेसिकली बिहार में, यदि भारत में है बिहार, तो बिहार में भी तीनों ऋतु ना आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, बिहार में तीनों ऋतु आएगा, जैसे कि वर्षा ऋतु आएगा, शीत ऋतु आएगा, ग्रीष्म ऋतु आएगा, तीनों आएगा। अब तीनों से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, सो ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। वर्षा ऋतु का अगर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद ही कृषि आप पढ़िएगा, तो कृषि पढ़िएगा तो
तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले जलवायु को देख लीजिए, वर्षा ऋतु का अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, तो बिहार में जो वर्षा प्रारंभ होती है वो लगभग जून के महीने से होती है। जून के महीने से लगभग 15 जून से स्टार्ट होता है बिहार में मानसून के पानी का आना, ठीक है, जून के महीने से प्रारंभ होती है और लगभग चलती है लगभग अक्टूबर तक, अगस्त वही सितंबर अक्टूबर तक चलती है, अक्टूबर के पहले सप्ताह तक चलती है ना वर्षा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि बिहार में जो वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल के खाड़ी शाखा से होता है, लेकिन मानसून के आने से पहले भी बिहार में, ध्यान रखिएगा, मानसून के आने से पहले भी बिहार में कुछ कुछ वर्षाएं हो जाती है, जिसको मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं या इसको नार्वेस्टर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको नार्वेस्टर कहते हैं या इसी को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। जो मानसून से पहले वर्षा यानी ग्रीष्म काल के दौरान जो वर्षा आएगा उसको नार्वेस्टर वर्षा या तो फिर काल बैसाखी वर्षा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, आप नोट डाउन करते चलिएगा एक एक बातों को, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग ग्रीष्मकाल में, थोड़ा सा ग्रीष्मकाल को समझिए, ठीक है। तो ग्रीष्मकाल में बिहार की धरती अत्यधिक तपती है और आपको मालूम है कि ये वाला इलाका ज्यादा गर्म होगा, गया इधर ही है, ये वाला इलाका ज्यादा गर्म होगा वनस्पत, ये वाला इलाका कम गर्म होगा। एक मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ कि जिस स्थान पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उस स्थान का वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी गर्मी बढ़ने के साथ एयर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। गर्मी बढ़ा, एयर प्रेशर क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। अब कंठस्थ हैं, आप नोट डाउन कर रहे हैं ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वायु दाब कम हो जाता है, तो वायु दाब जब कम हो जाएगा तो जाहिर सा बात है आप एक चीज जानते हैं कि वायु जो बहता है वो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर बहता है, आप जानते हैं। तो इधर हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होगा HP, उच्च वायु दाब, और इधर निम्न प्रेशर यानी कि लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होगा निम्न वायु दाब। तो इधर से इधर की ओर हवाएं बहेंगी, गर्मी के दिनों में जो हवाएं बहती है उसी को बिहार के क्षेत्र में लू कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है गर्मी के दिनों में जो वायु पेटियों को, वायु दाबों को पूर्ति करने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है उसी को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा इस बात को। बात करें शीत ऋतु का, शीत ऋतु का, तो शीत ऋतु लगभग 15 अक्टूबर से बिहार में शीत पड़ने लगता है, ठंडा पड़ने लगता है और जनवरी का महीना सर्वाधिक ठंडा होता है बिहार में, है ना, ये अच्छे से आप याद रखिएगा, जनवरी का महीना सर्वाधिक ठंडा होता है बिहार में, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग ऋतुओं के बारे में चर्चा कर ही लिए, अब देखिए बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। तो भू वैज्ञानिकों ने और सरकार ने, बिहार सरकार ने मिलकर, है ना, कृषि जलवायु क्षेत्रों का बंटवारा किया और बेसिकली मैप में आपको वही कृषि जलवायु क्षेत्र बताए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कृषि जलवायु क्षेत्र को मैंने 4 कैटेगरी में किया है, लेकिन कभी आपसे ये प्रश्न पूछे, ध्यान रखिएगा, कभी आपसे ये प्रश्न पूछे कि बताइए कि कृषि जलवायु क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया है बिहार का, तो बिहार में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है। कितने? 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है, कृषि जलवायु क्षेत्र, यानी खेती के आधार पर इन जलवायु क्षेत्रों को बांटा गया। अब आप बोलिएगा कि कौन कौन सा जलवायु क्षेत्र है भैया, तो फर्स्ट जलवायु क्षेत्र, सेकंड जलवायु क्षेत्र और थर्ड जलवायु क्षेत्र। अब इसी थर्ड जलवायु क्षेत्र में थर्ड का ए और थर्ड का बी बटा हुआ है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये यूट्यूब पर पहली बार है जब हमें जलवायु क्षेत्रों के बारे में, शायद और कोई शिक्षक पढ़ाए होंगे तो पढ़ाए होंगे, लेकिन हमको लगता है कि शायद जलवायु क्षेत्रों के बारे में, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं जटिल जटिल और बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि जलवायु क्षेत्रों को भी इसी में ले लेता हूँ। तो जलवायु क्षेत्र जो है, ध्यान में रखिएगा, इसका अगर बात करें हम तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा को ही ए और बी में बांट दिया गया क्योंकि कुछ कुछ फसलें अलग अलग हो जाती हैं इनमें, ठीक है। तो देखिए पहला जो जलवायु क्षेत्र है वो आपके बिहार का उत्तर पश्चिम का इलाका है, उत्तर पश्चिम का इलाका, इधर
इसमें कुल 13 जिले शामिल की गई है। एकदम याद रखिएगा, पूछेगा कि निम्न में से प्रथम जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत बिहार का कौन सा जिला नहीं आता है, तो मैंने कैटेगराइजेशन कर दिया है। देखिए प्रथम जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय, ये क्षेत्र आते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दूसरा जलवायु क्षेत्र आपका ये है, ठीक है। दूसरे जलवायु क्षेत्र में आपके 8 जिले आ जाएंगे। कितने जिले आ जाएंगे? 8 जिले आ जाएंगे। कौन कौन? सुपौल, खगड़िया, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा और कटिहार। अब सवाल उत्पन्न होता है कि तीसरे जलवायु क्षेत्र में ए कैटेगरी में कौन है और बी कैटेगरी में कौन है। तो तीसरे जलवायु क्षेत्र में ए कैटेगरी में आपको बिहार का पूर्वी हिस्सा मिलेगा ए कैटेगरी में, और बी कैटेगरी में ये मिलेगा। अगर आप अच्छा से देखें तो ए कैटेगरी में सबसे कम जिलों को रखा गया है, मात्र 6 जिलों को रखा गया है, और थर्ड का बी कैटेगरी में आपको 11 जिले मिलेंगे। आपको याद रखना है, जैसे ए कैटेगरी में कौन कौन से जिले हैं? भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा। और बी कैटेगरी में कौन कौन से हैं? बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा। आप याद रखें, कभी आपसे ये प्रश्न पूछे कि निम्न में से कौन सा जिला तीसरे जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो सिर्फ तीसरा पूछे तो ये टोटल हो जाएगा, और अगर ए और बी कैटेगराइजेशन करके दे तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक बोलेगा तो ये 6 जिले, बी बोलेगा तो ये 11 जिले हो जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये जलवायु क्षेत्र समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर जलवायु क्षेत्र समझ में आपको आ गया है तो एक टॉपिक और है जो आपको समझना चाहिए, है ना, एक टॉपिक और है जो आपको समझना चाहिए, और वो क्या है ध्यान में रखिएगा, वो टॉपिक है आपका कि किस जलवायु क्षेत्र में, है ना, मैप के दृष्टिकोण से भी बनाया गया है कि किस जलवायु क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगती है और कितना वर्षा प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र, कौन सा? उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र का मतलब ये हो गया, अगर इस इलाके में वर्षा की बात करें तो इस इलाके में वर्षा लगभग 140 सेंटीमीटर तक होता है। कितना होता है दोस्तों? 140 सेंटीमीटर, यानी लगभग 105 सेंटीमीटर से लेकर के 140 सेंटीमीटर तक इस इलाके में वर्षा होती है। और अगर इसके प्रमुख फसलों की बात करें तो जाहिर सा बात है कि धान होगा, अरहर होगा, मूंग होगा, ये सारे चीजें यहाँ पर ही फसल के रूप में, गन्ना होगा बेसिकली, हाँ गन्ना, किशनगंज है ये नामी है गन्ना के लिए, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, गन्ना होगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अगर बात करें उत्तर पूर्वी, है ना, उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत, तो यहाँ पर जो वर्षा प्राप्त होता है वो 120 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर होता है, लगभग 140-145-150, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा इधर ही प्राप्त होता है, ठीक है। उत्तर पूर्वी पूरा का बात कर रहे हैं, सिर्फ किशनगंज का बात नहीं कर रहे हैं, पूरा उत्तर पूर्वी का अगर हम बात करें दोस्तों, तो उत्तर पूर्वी पूरा जो है वो लगभग 120 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करता है, और 140 सेंटीमीटर तक जो वर्षा प्राप्त करता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगा कि इसी इलाके में आप देखिएगा कि पूर्णिया, मधेपुरा जैसे जिले आ जाते हैं उत्तर पूर्वी सेक्टर में, और इतना वर्षा प्राप्त करता है इसीलिए जूट का उत्पादन, सरसों का उत्पादन, है ना, मूंग का उत्पादन, इन सभी चीजों का उत्पादन आपको यहाँ ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, बेसिकली जूट का, है ना। पूर्णिया तो बिहार में नंबर वन है जूट के उत्पादन में, ठीक है, पूर्णिया नंबर वन है जूट के उत्पादन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जानते ही है कि तराई क्षेत्र की मिट्टी सर्वाधिक खादर मिट्टी पाई जाती है, जो सर्वाधिक उपयुक्त है, कल के क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, इसलिए जूट का उत्पादन, जूट आप नहीं समझते तो बोरवा नहीं बनता है, बोरा, है ना, बोरा जो बनता है वही बोरा का बात हो रहा है, बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बिहार का दक्षिणी कृषि जलवायु क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र,
दक्षिणी क्षेत्र। आप जानते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र जो है ना, वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त नहीं करता है। आप देख चुके हैं, मैंने वर्षा में बताया है। तो जाहिर सा बात है कि ये लगभग कितना से कितना करेगा, तो 95 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करता है। और इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में आपको गेहूं देखने के लिए मिलेगा। गेहूं का उपज सर्वाधिक होता है। गेहूं हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, यही सब चीज यहाँ पर होते रहता है, मटर वगैरह होते रहता है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जलवायु का चैप्टर समझ में आया होगा, जो कॉपेन, नाम रखिएगा कॉपेन, है ना, और ये सब वैज्ञानिकों के बारे में जो मैंने बताया, उनके कैटेगराइजेशन के बारे में जो बताया वो समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको कृषि जलवायु क्षेत्र समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा आपको पता चला होगा कि किस प्रकार से लू बहती है, उच्च वायु दाब, निम्न वायु दाब समझ में आया होगा। उसके बाद दिशाओं के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र में कैसे बांटा गया, कितना सेंटीमीटर वर्षा और कौन कौन सी खेती होती है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो अपने भाई को समर्थन करें और बहुत प्यार दें, शेयर वगैरह करें और जरूरतमंद तक पहुंचाएं। ये एक भावुक अपील है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। शुभ रात्रि।